हेलो स्टूडेंट्स, तो हिंदी में आज हम महादेवी वर्मा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम एक एक करके सारे जो है महत्वपूर्ण राइटर इसमें पूरे पढ़ने हैं, क्योंकि इससे जो है साहित्य, जो भी साहित्यकार हैं और उनकी प्रमुख रचनाओं से कम 3 से 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना। तो देख लेते हैं महादेवी वर्मा के बारे में। तो इनका जो जन्म है वो 26 मार्च 1907 को संयुक्त प्रांत में हुआ। ठीक है, और इनकी मृत्यु का जो वो है 11 सितंबर 1987 को, यानी 80 साल ये इनका जीवन रहा। ठीक है, 11 सितंबर 1987 को उत्तर प्रदेश, तो ये भी उत्तर प्रदेश है लेकिन आज़ादी से पहले बोलते थे संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविनेंस। ठीक है, और अभी क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश। तो जो आगरा अवध का हिस्सा है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो देखो, महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। ठीक है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इनको क्या कहा था, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा था, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती। अब देख लेते हैं इनकी प्रमुख कहानियाँ। ठीक है, तो इनका देखो जो पहली कविता अगर पूछ ली, पहला काव्य है निहार, उसके बाद रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, ठीक है, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा, यामा, दीप गीत, स्मारिका, ठीक है, नीलांबरा, संधिनी, अग्निरेखा, हिमालय, तो ये इनके मुख्य काव्य यानी कविताएं हैं। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं रेखाचित्र। तो रेखाचित्र क्या है, जैसे अतीत के चलचित्र हो गया, स्मृति की रेखाएं, है ना। अब इनका जो संस्मरण है देखो क्या है, पथ के साथी और मेरा परिवार, तो पशु पक्षियों के ऊपर लिखा गया, ये पूछा भी गया था एक बार कि कौन सी रचना महादेवी वर्मा की जो पशु पक्षियों को केंद्रित करके लिखी गई, तो मेरा परिवार है। ठीक है, और संस्मरण नाम से भी एक है। अब इनकी अन्य रचनाएं जैसे छणदा, छणदा इन्होंने ललित निबंध के रूप में लिखा है। उसके बाद है गिल्लू, ये क्या है, कहानी है। ठीक है, उसके बाद है देखो श्रृंखला की कड़ियाँ, ये क्या है, निबंध है इनका। उसके बाद आता है देखो ठाकुर जी भोले हैं और आज खरीदेंगे हम ज्वाला, तो ठाकुर जी भोले हैं ये नाम से पता चल रहा है आपको, आज खरीदेंगे हम ज्वाला, बाल साहित्य है इनका। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट आता है देखो, इनको जो पुरस्कार मिले महादेवी वर्मा जी को, तो सबसे महत्वपूर्ण जो साहित्य का पुरस्कार है हमारे देश में क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, 27 अप्रैल 1982 को महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, है ना। और 2018 में इसी उपलक्ष में गूगल ने इनको डूडल बना के समर्पित किया था। 27 अप्रैल 2018 को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने की वर्षगांठ हुई थी। फिर देखो पद्म भूषण इनको मिला था 1956 में, ठीक है, पहले मिला था काफ़ी, और पद्म विभूषण मिला 1988 में, है ना। तो ये इनके प्रमुख सम्मान है देश में। ठीक है, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम अगले राइटर के बारे में पढ़ेंगे।